बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मासूम नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। मासूम के माता पिता नहीं थे, इसीलिए मासूम अपनी मामी के घर में रहता था। मासूम की मामी मासूम पर काफी अत्याचार करती थी, पूरे दिन मासूम से काम ही करवाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे मासूम, ठीक से घर की सफाई कर, वरना आज भी तुझे खाना नहीं दूंगी। मामी, ठीक से तो सफाई कर रहा हूँ, अब किस तरह से सफाई करूँ? मुझसे जवान लड़ाता है, लगता है कल की मार भूल गया है। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। रिंकू पिंकू, यहाँ आओ। तभी रिंकू पिंकू अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। जी मम्मी, क्या हुआ, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। जाओ, जाकर अलमारी से चमड़े की बेल्ट निकाल कर लाओ। इस मासूम की जुबान कैची की तरह चलने लग गई है, इसे आज काट ही देती हूँ। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कल हम दोनों से भी ये ऊंची आवाज में बात कर रहा था। हम अभी आपको बेल्ट ला कर देते हैं, चल रिंकू। हाँ पिंकू, आज इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बेल्ट लेने चले जाते हैं। मामी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपसे जबान नहीं लड़ाऊंगा और घर का सारा काम भी करूंगा। मामी, मैंने कभी रिंकू और पिंकू भैया से तेज आवाज में बात नहीं की, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तू मेरे मासूम बेटों को झूठ बोल रहा है? रुक जा, अभी तेरा इलाज करती हूँ। रिंकू पिंकू, कहाँ मर गए, जल्दी आओ। बस आ गए मम्मी, ये लो। मम्मी, बेल्ट मिल ही नहीं रही थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। लाओ, इसे मुझे दो। ये ले, आज से तेज आवाज में बात करेगा। ये ले, ये ले। बचाओ बचाओ, छोड़ दीजिए मामी, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। इसीलिए तो मार रही हूँ, ताकि तुझे दर्द हो और आगे से कुछ बोलने से पहले तो 100 बार सोचे। ये ले, ये ले। हाँ मम्मी, मारो मारो इसे। आज के लिए बस इतना ही याद रखना, आज के बाद मुझसे या मेरे बच्चों से तेज आवाज में बात की तो देख लेना, खाल निकाल दूंगी। ठीक है मामी। चलो रिंकू पिंकू, इसे यहाँ काम करने दो। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। मासूम रोते हुए जंगल की तरफ चला जाता है और एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। माँ, तुम कहाँ हो? मामी मुझे रोज किसी न किसी बहाने से मारती है, तुम जल्दी आओ ना माँ, मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुमने तो कहा था तुम भगवान के पास से जल्दी वापस आ जाओगी, फिर अभी तक क्यों नहीं आई माँ? माँ, ऐसा कहकर मासूम जोर जोर से रोने लगता है। तभी नदी में से एक सुंदर परी निकलती है और मासूम से कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरा नाम मासूम है और आज मेरी मामी ने मुझे बहुत मारा है, जिसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है। मुझे मेरी माँ की याद भी आ रही है, पता नहीं मेरी माँ कब तक वापस आएंगी। क्या तुमने मेरी माँ को कहीं देखा है सुंदर परी? नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कहीं नहीं देखा है। बेटा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है और उसी बीमारी का इलाज करवाने वो भगवान के पास गई है। अरे, ये मासूम कितना भोला बच्चा है, इसे ये भी नहीं पता कि इसकी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। मासूम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्द ही वापस आ जाएंगी। लाओ, तब तक मैं तुम्हारे शरीर के दर्द को गायब कर देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से मासूम के शरीर में हो रहे दर्द को खत्म कर देती है। अरे, मेरे शरीर का दर्द तो बिल्कुल गायब ही हो गया, ये तुमने कैसे किया सुंदर परी? बेटा, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ,
क्या तुम्हें भूख भी लगी है? हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्यों बेटा, तुम्हारी मामी तुम्हें खाना नहीं देती क्या? मेरी मामी मुझसे दिन भर काम करवाती है और अगर मुझसे थोड़ी भी गलती हो जाती है तो मुझे खाना नहीं मिलता। लगता है इसकी मामी इस पर काफी जुर्म करती है। कोई बात नहीं बेटा, लो आज पेट भरकर खाना खा लो। परी ने एक बार फिर अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और देखते ही देखते वहाँ ढेर सारे पकवान आ गए। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकवान! आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो खा लो। मासूम उन पकवानों को खाने लगता है। खाना कितना स्वादिष्ट था। ये खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इतना अच्छा खाना बनाया करती थी। बेटा, तुम्हें खाना पसंद आया? हाँ सुंदर परी, मुझे खाना बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई थाली दे देती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई थाली प्रकट कर देती है और वो थाली मासूम को दे देती है। इस थाली में तुम कभी भी अपनी पसंद का खाना मंगवा सकती हो और पेट भरकर खाना खा सकती हो। अब तुम अपनी मामी से खाना मत मांगना। ठीक है सुंदर परी। ये लो बेटा, तुम्हारी जादुई थाली। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। कल शाम को फिर से यहाँ तुम्हें मिलूंगी। ऐसा कहकर सुंदर परी पानी के अंदर चली जाती है। काफी शाम हो गई है, अब मुझे भी अपने घर चलना चाहिए, वरना मामी फिर से मुझे मारेगी। मासूम घर की तरफ रवाना होने लगता है, तभी रिंकू पिंकू मासूम के सामने आ जाती है। क्या रे मासूम, मेरी मम्मी की बुराई करेगा? हमने पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख लिया है। ला ये थाली हमें दे दे। और वैसे भी तुझे इस जादुई थाली की क्या जरूरत? घर में तो तुझे सूखी रोटी मिलती ही है ना? नहीं, मैं ये थाली तुम्हें नहीं दूंगा। उस सुंदर परी ने मुझे ये थाली दी है। रिंकू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब मुझे इससे थाली छीननी ही पड़ेगी। ला थाली दे। नहीं, अरे मत छीनो थाली, अरे छोड़ दो प्लीज। रिंकू और पिंकू मासूम से थाली छीन लेते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। ये दोनों कितने बुरे हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। ऐसा कहकर मासूम भी घर की तरफ चल देता है। तभी घर पर मासूम की मामी मासूम से कहती है। क्यों रे मासूम, सुना है कोई जादुई परी तेरी दोस्त बन गई है? अगर ये सच है तो कल तू उस परी से ढेर सारे सोने और गहने मांग कर लाएगा और उन गहनों को मुझे देगा। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे चमड़े के बेल्ट से मारूंगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर घर की सफाई कर। अगर कल ये मासूम उस परी से ढेर सारे गहने ले लेगा तो मैं माला माल हो जाऊंगी। ऐसा कहकर मासूम की मामी जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन, अरे मासूम, कहाँ मर गया कामचोर? जी मामी, क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? जी मामी के बच्चे, क्या तुझे याद नहीं आज तुझे मेरे लिए क्या लाना है? एक बात याद रख, अगर तू खाली हाथ आया तो तुझे मारते मारते तेरी खाल निकाल दूंगी, समझा? तो चल अब जा यहाँ से, खड़ा क्यों है? मासूम ये बातें सुनकर जंगल की तरफ चला जाता है और उसी नदी के पास बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से जादुई परी निकलती है और मासूम से कहती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी मामी ने आज भी तुम्हें मारा है? नहीं सुंदर परी, अभी तक तो नहीं मारा, लेकिन शाम तक अगर मैंने अपनी मामी को सोने के गहने नहीं दिए तो वो मुझे चमड़े के बेल्ट से मारेंगी। मासूम सारी बात उस जादुई परी को बता देता है
और फिर ऐसा लगता है इसकी मामी कठोर होने के साथ साथ लालची भी है। अब तो उस लालची औरत को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई बक्सा देती हूँ और ये बक्सा जाकर अपने मामी को दे देना। जब तुम्हारी मामी इस बक्से को खोलेंगी तो उन्हें ढेर सारा सोना मिल जाएगा। ऐसा कहकर जादुई परी एक छोटा सा बक्सा मासूम को दे देती है और फिर नदी के अंदर चली जाती है। ये सुंदर परी कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है, हमेशा मेरी मदद करती है। ऐसा कहकर मासूम घर की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही समय में घर पहुंच जाता है। तभी, अरे कामचोर, तू आ गया? कहाँ है मेरी गहने? दिखाई तो नहीं दे रहे? मामी, उस परी ने मुझे ये बक्सा दिया है और कहा है इस बक्से के अंदर ढेर सारे सोने के गहने हैं। इसे जाकर अपनी मामी को दे देना। मासूम उस बक्से को अपनी मामी को दे देता है। जैसे ही मासूम की मामी उस बक्से को खोलती है, तभी उस बक्से में से एक जादुई छड़ी निकलती है और कहती है, अरे लालची औरत, तूने इस मासूम बच्चे को बहुत सताया है, अब तेरी खैर नहीं। आज मैं तुझे वही दर्द दूंगा जो आज तक तू इस मासूम बच्चे को देती आई है। ऐसा कहकर छड़ी मासूम की मामी की पिटाई करने लगती है। तभी मासूम की मामी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे माफ कर दे मासूम, इस छड़ी को बोल कि मुझे ना मारे, बचाओ बचाओ। तभी मासूम उस जादुई छड़ी से कहता है, जादुई छड़ी, अब तुम रुक जाओ, मेरी मामी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, जादुई छड़ी तुम रुक जाओ। मासूम के इतना कहते ही जादुई छड़ी रुक जाती है और सामान्य रूप में आ जाती है। मासूम, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे इतना दुख दिया, इसके बावजूद तूने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, आज के बाद मेरे 3 बेटे हैं, आज से तू भी मेरा बेटा है, मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूँगी मेरे बच्चे। ऐसा कहकर मासूम की मामी मासूम को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद मासूम के जीवन में खुशियाँ आ जाती है और मासूम अपने जीवन को अच्छे से जीने लगता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।